मिले, देखो वो कहाँ तक भाग चुका है, वो कार के पीछे जा चुका है बंदा। अरे यार नहीं आऊंगा मैं पास में, आ जाओ इधर, तो झाड़ के पीछे यहाँ पर छुपा हुआ बंदा ये, इधर इसके खुशी का ठिकाना नहीं है। पहली मरतबा हमारी मुलाकात है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग जो है। भाई आपका नाम क्या है? अरहम। छुप क्यों रहे थे आप? हाँ कहीं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ क्या मैं? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है शाही कबाब में कबाब वगैरह बनाया जा रहा है, और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल अभी मस्जिद को फजर की नमाज के लिए। ये है फजर के टाइम मस्जिद का मंजर, कितना प्यारा लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर नमाज हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर बयान फरमाया है कि कयामत होने वाली चीज, और कयामत ऐसी चीज है कि जिसमें कोई शक नहीं। ये है मस्जिद का बाहर का मंजर। तो दोस्तों मैंने अभी फजर की नमाज पढ़ ली है, देख सकते हैं आप लोग मस्जिद कितनी ज़्यादा प्यारी है यहाँ की माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी मैं जा ही रहा था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो रास्ते में मुझे ये क्यूट से बंदे, क्यूट तुम्हारा ज़्यादा हो जा रहा, तो रास्ते में मुझे एक क्यूट सा बंदा और एकदम हैंडसम बॉय मिले हैं यहाँ पर। ब्रो आपने बाल क्यों निकाले हैं? ऐसे निकाले हैं भाई। उधर वो बंदा है जो शर्मा कर उधर जा चुका है। अच्छा भागने की जरूरत नहीं, कैमरा पलटा लिया मैं। चलो बढ़ते हैं आगे। यार मैं व्लॉगिंग करने के चक्कर में ना रास्ता भूल गया था। आज मैंने उधर के बड़े मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, डेली जो है अक्सर इधर अंदर के मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो रास्ता जो है एकदम कन्फ्यूजन में मैं भूल गया, सो इसलिए मसला हो गया। खैर इन भाई का जो है हेल्प हो गई मुझे, इन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि यहीं पर रहते हैं, लोकल के हैं, मैं जो है कहीं और से आया हुआ हूँ। खैर अभी तो शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन सपोर्ट तो बनता है यार, क्योंकि अभी फ़िलहाल पब्लिक भी काफ़ी कम है, ना के बराबर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस रोड पर। तो इन भाई का मिलना जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई आपका नाम क्या है? अरहम। छुप क्यों रहे थे आप? हाँ कहीं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ क्या मैं? दूसरे प्लैनेट से आया हूँ मैं या फिर नया बंदा हूँ इसलिए नहीं आना चाह रहे थे? करो नया बंदा हूँ इसलिए खौफ था क्या? सलाह ये कहाँ से आ गया बोलकर, इसलिए मैंने सबसे पहले चैनल बताया, किरकिरी नको बोल के। हाँ वजह कहती। और यहाँ पर एकदम कॉमेडी का माहौल हो चुका है दोस्तों। हैदराबाद में आना यार मेरा काम बन गया, हैदराबाद में काम भाग रहे। बंदे सॉलिड मिले, देखो वो कहाँ तक भाग चुका है, वो कार के पीछे जा चुका है बंदा। अरे यार नहीं आऊंगा मैं पास में, आ जाओ। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, दिल के सच्चे बच्चे, बहुत ही प्यारे। सिर्फ बच्चे एक ही बच्चा बोल सकता हूँ मैं, ये तो बंदा है बड़ा सा। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 11th में हो, चलो सही है, कॉलेज बॉय हो फिर तो आप। और आप मेरे ख्याल से ब्रो होंगे 5th में, राइट? 8th में हो। अच्छा हाइट कम है, हाइट हां कोई मसला नहीं यार, आपकी क्यूटनेस देखकर मुझे ऐसा लगा आप तक 5th में होंगे। भाई साहब देखो, इसका मतलब 8th में रहकर आपकी क्यूटनेस ओवरलोडेड है, इसका मतलब भाई मानना पड़ेगा यार, फिर आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। जिम जाते हो क्या आप? अरे नहीं, एकदम फिर टाइट बॉडी एकदम माशाल्लाह। इधर झाड़ के पीछे यहां पर छुपा हुआ बंदा ये, इधर इसके खुशी का ठिकाना नहीं है। पहली मरतबा हमारी मुलाकात है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग जो है काफ़ी बरसों से जानते हैं एक दूसरे को, है ना ब्रो? मज़ा आ रहा है व्लॉग में इंशाल्लाह, और इन फ्यूचर और फिर से बनाएं साथ में कभी इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। तो मुलाकातें होती रहेंगी। अच्छा लगा मुलाकात करके आप लोगों से, मिलते हैं फिर जल्दी नमाजों के टाइम पर। ओके कौन से मस्जिद में नमाज पढ़ते हो आप? आगे के ये बंदा फिर से आ चुका है, इसकी क्यूटनेस देखिए आप लोग। अब आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग तब से ये वीडियो देख रहे हैं, ये बंदा ज़्यादा क्यूट है जो 8th स्टैंडर्ड में, या फिर ये बंदा ज़्यादा क्यूट है? ये भी इसका भी बोल सकते हो, वैसा कुछ नहीं भाई, नाराज नहीं होना। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th 7th 6th 7th कौन से स्टैंडर्ड में, उसी में कंफ्यूज हो आप, ये क्या सीन है? तो फिर मिलते हैं अपन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और ये मैं चला असर की नमाज को, और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। और आप लोगों को आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि नमाज को कभी मिस ना करें, नमाज नबी के आँखों की ठंडक है।